दोस्तों हमारे चैनल हायर एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में अपने लेके आया हूं कॉलेज एडमिशन 2022 को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ताकि आप लोग अपने एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा इजीली समझ सके। अपकमिंग टाइम में जो कॉलेज में आप जाने वाले हैं उसके लिए आपको अपना ट्रैक कैसे बनाना है, ये सभी छोटी छोटी अपडेट्स मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हमारा ये वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटीज को कवर करने वाला हूं जिनमें अभी ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस ऑन गोइंग है और कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको DSEU की अपडेट, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो यहां पे आप लोग आज की डेट में अपना अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर यूजी कोर्सेज लेटरल एंट्री सभी के लिए 31st ऑफ अगस्त कर दिया, कुल मिलाकर एक्सटेंड कर दिया गया है एडमिशन प्रोसेस को। एप्लीकेशन फॉर डिप्लोमा एंड बीए डिजिटल मीडिया डिजाइन के लिए क्लोज कर दिया है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स को, अब सीधा उनका काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब किन किन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ें आप लोगों को इनकी ब्रोशर में मिल जाएगी, बट फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। यार यहाँ पे आपको ना प्रोफेशनल कोर्सेज करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे स्टडी एट DSEU में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सभी कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की डेट में यहाँ पे एडमिशन ओपन है, बट यहाँ पे जो एडमिशन लेने का थोड़ा क्राइटेरिया है हर एक कोर्स का अलग अलग है, आपको समझना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आप BCA करना चाहते हो मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया गया है, BSc डेटा एनालिटिक्स, BSc मीडिया लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BA BSc बैचलर ऑफ आर्ट्स स्पेनिश डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी, BCom ऑनर्स भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। 264 सीट्स यहाँ पे टोटल अवेलेबल है। यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ऑनर्स आप लोगों को करवाया जाएगा। BBA के अंदर रिटेल मैनेजमेंट, फैसिलिटी हाइजीन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। BMS कोर्स के अंदर ई-कॉमर्स एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद आपके पास BCA कोर्स अवेलेबल, इसमें 264 सीट्स हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर तीन से चार ब्रांचेस हैं, चार नहीं कुछ ज्यादा ही ब्रांचेस हैं, मैकेट्रॉनिक्स, टूल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक, ईसी वाली ब्रांच है और CSE है। और यहाँ पे आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज है। तो कुछ कोर्सेज मतलब ऐसे जो आपके समझ से परे होंगे बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो कोर्सेज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं BBA और BCA BCom ऑनर्स, ये तीन प्रोफेशनल कोर्सेज है। नंबर ऑफ सीट्स कम है, मेरिट बेस्ड एडमिशन है, 10% वेटेज CUET का लिया जाएगा और बाकी ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, आप यहाँ पे एज अ ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अगेन अब बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जहाँ पे अभी देखो मैं अभी आप लोगों को विजन दिखा रहा हूँ, है ना, कि जैसे अभी आपके पास इसका ऑप्शन बताया मैंने, अब आपके पास अगेन एक ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, जो अभी एडमिशन पोर्टल अभी ओपन करने वाला है अपने थोड़े दिन के अंदर। लेकिन पोर्टल सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होगा, एडमिशन यहाँ पे मेनली CUET के बेसिस पे होगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को CUET के वेब पोर्टल पे लेके जाता हूँ, summer.ac.in वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ से आप जाएंगे, अभी हम ना अपकमिंग टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को कवर करने वाले हैं, ठीक है, कि CUET के बेसिस पे यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ कैसे आपको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे इन कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट आपका लिया गया था, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट लिया गया था, बहुत अलग अलग कोर्सेज के अंदर यहाँ पे एडमिशन लिए जा रहे हैं CUET के बेसिस पे। अब CUET में रजिस्ट्रेशन करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होगा अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे उनका पोर्टल में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। एडमिशन पे क्लिक करोगे, UG एडमिशन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे पोर्टल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, जैसे ओपन होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। कोर्सेज यहाँ पे आपके पास काफी अच्छे अच्छे हैं अवेलेबल करने के लिए, सो आप इनकी वेबसाइट को एक बार जाके गो थ्रू करिए। प्रोग्राम्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये कोर्सेज आपके पास है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पे है, BA ऑनर्स इन हिंदी, BBA कोर्स भी अवेलेबल है, BVOC कोर्सेज अवेलेबल है। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे भी अप्लाई करें इन फ्यूचर, क्योंकि अभी इसका हमारे पास टाइम है। अब हुआ क्या यार, CUET आ जाने से ना आप लोगों के लिए आपके लिए तो रिस्ट्रिक्शंस आ ही गए हैं बहुत सारे, साथ में यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। जब कोई यूनिवर्सिटी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाती है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब जैसे कि मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आती है उसके अंदर, तो यहाँ पे ये भी अब CUET के स्कोर पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा एडमिशन प्रोसेस दे दिया CUET के स्कोर के ऊपर। तो जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक स्कोर नहीं आएगा, ये आपको एडमिशन दे नहीं सकते। हालांकि ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन इस बार होने जा रहा है, पूरा प्रोसेस सिस्टम बन के आ रहा है, कॉमन सीट्स एलोकेशन सिस्टम, तो इन सब में पार्टिसिपेशन आप लोगों का करना जो है कंपल्सरी होगा।
उसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन आप लोगों को मिलने वाला है इनके 91 कॉलेजेस के अंडर में। तो कहीं ना कहीं यार रिस्ट्रिक्शन आई है, ये जो यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ अभी इनके लिए टाइम है, एडमिशन प्रोसेस इनका कंप्लीट होगा अक्टूबर के आसपास या फिर सितंबर एंड में एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा होगा। जिस हिसाब से सीयूटी की डेट्स पोस्टपोन हो रही है, रिजल्ट डिले हो रहा है, मेरे को तो लगता है थोड़ा और भी डिले हो सकता है। तो वो यार एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाएगा जहां पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर इनमें एडमिशन नहीं हुआ तो फिर पूरा साल खराब वाला सीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह फीस रिफंड करना ही सब कुछ नहीं होता, यूजीसी ने एक सर्कुलर निकाला कि यार रिफंड कर देंगे आपका, अगर इधर वाले में हो जाता है तो उधर से आप रिफंड करवा के आ सकते हैं, पूरी फीस आपको मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट आज भी तो यही सोच रहा है ना कि यार फीस को मैं डबल डबल क्यों पैसे करूँ, हर किसी के पास डबल डबल पैसे भरने के लिए नहीं है। कोई एक यूनिवर्सिटी में पैसे देता है, अपने कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स को डाल रहा होता है, अब उतनी सेविंग्स उसके पास दूसरे वाले बच्चे के पास भी हो डबल डबल जगह पैसे भरने की, ये थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और रिफंड का जो प्रोसेस है वो टाइम लगता है यार, 3 से 4 महीने रिफंड आने में लगते हैं। तो मेरे को लगता है यार हर एक स्टूडेंट इतना कैपेबल नहीं होता कि आपको, समझ रहे हो ना मैं कहने का मतलब क्या है, कि आपको टाइमली सब कुछ हो जाए, सारी चीज़ें रिफंड भी आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो मैं कहने का मतलब ये है जहाँ पे भी ऑलरेडी ऑनगोइंग एडमिशन है वहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट करो, DSU IPU ठीक है, जामिया का तो यार खत्म होने को हो रहा है सब कुछ, तो ये चीज़ें हैं बैकअप के लिए। बाकी जो अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं बढ़िया बढ़िया, उनके लिए भी आप एडमिशन सपोर्ट के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, अब रहते हैं IP यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इसमें भी एडमिशन प्रोसेस ऑनगोइंग है, सेकंड राउंड पे अब स्टूडेंट स्टार्ट हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जिसके अंदर आप लोगों को कॉलेजेस अपने डालने होते हैं, जिस कोर्स का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस करेंगे। तो देख के चलिए यार सब कुछ ना, अब IP पे आ जाते हैं। तो IP यूनिवर्सिटी में आपके पास ऑप्शंस हैं अब एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, तो IP यूनिवर्सिटी पे आपको जाना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी कॉलेज एडमिशंस को लेके, एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि यार आज के डेट में भी आपके पास ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के लिए, साथ में CUT तो है ही आपके पास ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ, थैंक यू सो मच।